बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। लेकिन ये समाज बेटियों को आगे बढ़ने देना चाहता ही नहीं है। या तो बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है, और अगर वो गलती से बड़ी हो जाएं तो फिर दहेज के नाम पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। और ये तस्वीरें इस बात को साफ बयां कर रही हैं। ये 21वीं सदी की वो हकीकत है जो हमारी असलियत हमारे सामने रख रही है। ये उस यूपी की सच्चाई है जहां कभी राम जन्मे थे, जिस यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कानून व्यवस्था का दम भरते हैं, वहां सरेआम एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है। बहू, जिसे दूसरे घर से आप अपनी इज्जत बनाकर अपने घर लाते हैं, उसी के साथ ऐसा बर्ताव कर देते हैं। ये दर्दनाक हादसा यूपी के महाराजगंज का है। 2014 में ये महिला शादी के बंधन में बंधी थी। तब से लगातार ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे, और पैसों की भूख ने उन्हें इतना अंधा बना दिया कि जो लड़की उनके घर की लक्ष्मी थी उसे ही आग के हवाले कर दिया। ससुराल वालों ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर खुलेआम सड़क पर आग लगा दी, जिसके बाद इस वीडियो को ट्विटर पर साझा किया गया, जिसके बाद ही तुरंत यूपी पुलिस हरकत में आ गई और लड़की के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी यूपी पुलिस ने ट्विटर पर भी दी। आरोपी गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन ये समाज भी गिरफ्तार है उस सोच का, उस संकरी सोच का जो आपके जहन में कभी इंसानियत को पनपने ही नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।